जी, इस वीडियो में अब हम सुपर सेट के बारे में पढ़ते हैं। सुपर सेट दरअसल सबसेट का उलट कॉन्सेप्ट है, यानी सबसेट दरअसल किसी सेट का सबसेट होता है, और जिस सेट का वो सबसेट होता है वो सेट सुपर सेट कहलाता है। डेफिनेशन में हम यूँ स्टडी कर सकते हैं, वेनी वर अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जब कभी कोई सेट ए किसी सेट बी का सबसेट होता है तो हम कहते हैं कि जो बी है वो सुपर सबसेट है ए का, और उसे लिखा जाता है सबसेट की उलट निशानी से, यानी बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ ए। एग्जांपल में अगर आप इसको देखें तो बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। ए एक सेट है जो ए ई आई ओ और यू मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जबकि बी जो है वो एक सेट है जो ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि बी दरअसल एक सेट है जिसके मेंबर्स को मिलाकर ही एक सेट बनाया गया है, सेट ए। तो हम कहेंगे कि सेट ए तो सेट बी का सबसेट है, लेकिन ख़ुद सेट बी दरअसल सेट ए का सुपर सेट है, यानी जो पेरेंट सेट है वो बुनियादी तौर पर सुपर सेट है, और जो चाइल्ड सेट है वो बुनियादी तौर पर सबसेट है। लिहाजा इसको लिख सकते हैं ए, ये हम देख रहे हैं कि पुराना निशान है, इसे कहते हैं सबसेट। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, भी कह सकते हैं ए इज़ अ चाइल्ड सेट ऑफ बी, जबकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ, बट बी इज़ सुपर सेट, बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए, यानी बी इज़ पेरेंट सेट ऑफ ए, बी इज़ अ पेरेंट सेट ऑफ ए। तो हम आसानी के लिए ये बात याद रख सकते हैं कि सुपर सेट दरअसल पेरेंट सेट होता है, और सब सेट दरअसल चाइल्ड सेट होता है। सुपर सेट पेरेंट सेट, और सब सेट चाइल्ड सेट। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट दरअसल सबसेट ही है, लेकिन ये दूसरे का सबसेट उस वक्त होगा जब दूसरा सेट पेरेंट तो होगा, सुपर सेट तो होगा, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं होगा। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ या सुपर सेट ऑफ ए, जबकि ए और बी बराबर ना हो। अगर ए और बी बराबर हो जाएंगे तो फिर वो सेट प्रॉपर सेट नहीं होगा अपने सुपर सेट का। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एक सेट है 1 2 3 4, इसमें टोटल नंबर 4 हैं, एक सेट है 1 2 3 4 5। हम अगर सोचें तो ये जो बी का सेट है 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का, इन्हीं पर मुश्तमिल है एक ए सेट, यानी सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, लिहाजा सेट ए इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सबसेट तो ये है लेकिन प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 ना होता, ये 1 2 3 4 होता, ये 1 2 3 4 होता, हम कहते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, लेकिन वो सबसेट होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर सबसेट के लिए शर्त ये है कि ए और बी के अरकान की तादाद बराबर ना हो, या दोनों एक जैसे सेट ना हो, ठीक है। मिसाल एक और हम यहाँ देखते हैं, पी क्यू आर एक सेट है और पी क्यू आर एस टी एक सेट है, तो हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, लेकिन क्योंकि दोनों की तादाद बराबर नहीं है लिहाजा ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट होने की, सबसेट तो वो आसानी से बन जाता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए शर्त ये है कि दोनों के मेंबर्स एक जैसे ना हों, यानी जो चाइल्ड सेट है वो और जो पेरेंट सेट है वो दोनों एक इक्वल ना हों। तो यहाँ ये दो बातें नोट ज़रूर करनी है, नो सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्सेल्फ, क्योंकि इट्सेल्फ अगर वो
वो एक दूसरे के सबसेट तो होते हैं एक ही सेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होते, क्योंकि दोनों के नंबर्स या दोनों के मेंबर्स एक जैसे हो जाएंगे। एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा प्रॉपर सबसेट का।